भुवनेश्वर लॉकडाउन सकाळ 7 रु दिन गोटाए पर्यंत खुला रहिबो दुकान आ एथिपाई सकाळु सकाळु दुकान बजारे लोकंकर भिड़ देखिबा को मिलिछि। सबुटी पुलिसर कड़ा चेकिंग एवं अमान्यांक ठारु करा जाउछि फाइन आदाय। सेपटे कोरोना संक्रमण लागि बीएमसी पक्षरु नयापल्ली गणपति बस्ती को कंटेनमेंट जोन घोषणा करा जायछि। बैरागी चरण मिशन रु तारिणी मंदिर जाए अंचल को सील करिछि बीएमसी। एनिक अधिक आलोचना करिबा भुवनेश्वर एजी छक प्रतिनिधि महेश पेशानंद। महेश, भुवनेश्वर स्थिति वर्तमान केमिति देखुचंदि? जदिओ किछिटा समय सीमा वर्तमान निर्धारण करा जायछि लॉकडाउन पई एवं सही समय सीमा परे आ दुकान बजार खोलु नाही, स्थिति वर्तमान केमिति देखुचंदि एवं लोकमानक भितरे सचेतनता एवं पुलिस रो पुलिस प्रशासन रो ब्लॉकिंग एवं चेकिंग केमिति रहिछि? देखु जहाँ आसंता काली को सप्ताह पूर्व जो लॉकडाउन को घोषणा कर चारोटी जिला समेत राउरकेला महानगर निगम को या भितर देखा जे भुवनेश्वर महानगर निगम कथा देखा बीएमसी रु गत 91 टी पॉजिटिव चिन्हट होता है। यह भितर जो कहो पॉजिटिव संख्या बीएमसी 1343 पहुंची बेले 724 जन सुस्थ होती या भितर 11 जन मृत्यु घटी बेले बर्तमान 606 टी एक्टिव केस रही। ठीक से भाई जदि कर्तमान जो बाहर जो मैंने आसान संख्या जब कह 21944 जन या भितर पंजीकरण कर 15000 जन पहुँची सारी बेले 11937 जन तर जो क्वारेटाइन पीरियड शेष कर 3064 जन अंडर क्वारेटाइन अच्छा। एवं गत काली जेहेतु बीएमसी जदि कह 91 टी केस आसला और 21 तारीख दिन 21 टी पॉजिटिव केस आसला और 20 तारीख कथा देखा जाबो ताले 49 टी पॉजिटिव केस सामना को आसला और या भितर जदि कह पाखापाखि 19 जदि सारा ओडिसार जदि चित्र देखा जाबो ताले 19000 अतिक्रम कर सारी 5000 रु अधिक या भितर एक्टिव केस रहिछे। जो कथा कहते कि भाव में जो चेकिंग चली एवं या भितर देखा जाए लोकंकर जदि लॉकडाउन पीरियड रही है जहाँ जो गाइडलाइन जहाँ रही हिसाब से समस्त छक जगार गोटे बर्तमान ब्लॉकिंग होती देखुए आज मत जो गाड़ी गुड़िक आसूरी से गुड़िक चेकिंग करापर जार आवश्यकता को देखिकी जीवा अनुमति दि जाऊँच नचे जो कमिशनरेट पुलिस तरफ धार्य फाइन व्यवस्था अनुसार तर चलाण कटा जा फाइन कटा जा मोटामोटी भाव में कहो जेहेतु संक्रमण गोटे अधिक हो गत काली जो भाव में स्निता देखी थे गत गोटे दिन में जो हजार रु अधिक पॉजिटिव केस सामना को आसी ए सबू भितर लोक यथेष सचेतन अच्छा कितु जेहेतु आवश्यकता रोचे बाहर को जो आवश्यकता रोचे से बाहर को बाहर सबू जगार जो भुवनेश्वर सबू जगार कह सब छक मानक ब्लॉगिंग कर सीधा छक आम दृश्य देखा जो बर्तमान राजभवन सम्मुखर एजी छक को आसवापी ये दृश्य और देख जो बाइक आरोही जो मैंने होती ऑटो कार ये जो मैंने समस्त को भुवनेश्वर लॉकडाउन रो कटकणार प्रभाव प्रतिनिधि महेश पेशानंद आप सूचना दूसरे जदिव वर्तमान समय सीमा निर्धारण करा जायछि एवं सही समय सीमा भितर दुकान बजार खोलुछि एवं एहा परे दुकान बजार बंद करिबा पई निर्देश दे जायछि। सकाळ 7 रु गोटाए पर्यंत खुला रहुछि दुकान एवं एथि पई मध्ये सकाळ सकाळ दुकान बजार लोकंकर भिड़ देखिबा को मिलुछि। तबे एही भिड़ भितरे ग्राहक एवं व्यवसायीक भितरे किभली भाबरे कोविड गाइडलाइन बा कोविड रो जो नियम रहिछि से नियम किभली भाबरे पालन करा जाय परबो ता उपरे रहिछि पुलिस प्रशासन रो नजर। बालेश्वर कोरोना आक्रांतों संख्या 700 पार हो सारे आतीमधर 196 जन सक्रिय थिबा बेले 556 जन सुस्थ हो घर को फेरी। जलेश्वर सहर से सटडाउन कटक जारी रही। बालेश्वर सहर से दुकान बजार खोली पुलिस कड़ा चेकिंग जारी रही। सामाजिक दूरता रक्षा करने लोक सचेतन भिड़ नियंत्रण पदक्षेप ने जिला प्रशासन इस संपर्क में अधिक आलोचना करिबा एवं स्थिति परखिबा। बालेश्वर फांडी छक आम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति। सत्यजित, बालेश्वर रे वर्तमान कोरोनार स्थिति वर्तमान केमती देखुं मार्केट रो एक्टिवनेस को केमती देखुं पुलिस प्रशासन रो कठोर कटकणा को केमती देखुं?
निश्चित सुनिता देखु जो जो देखा करोनार स्थित निश्चित वृद्धि पाँच 754 संख्या पहुंची जिले में आज देखा जदिवा का 40 जन पाखापाखि सुस्थ होती कितुतापर भी 146 जन एक्टिव केस रही कि बजार कथ कह प्रथम चित्र देखू जेहेतु सका समय हो आज सका झिपझिप बर्षा होता जदि बर्तमान वर्षा नहीं कितु आकाश मेघच्छन रही है सका जेहतु झिपझिप बर्षा होता तेणु बर्तमान दुकान बजार टे खोल विलंब होती लोकों भिड़ सका देखा मिलनी कारण वर्षापाई हुए तो बाधाप्राप्त कारण गत काली चित्र देखा और प्रत्येक दिन जो रही चित्र रही प्राय सका समय भिड़ कि संख्यार लोक देखा जाती कि आज से बजार भिड़ ना मार्केट लोक आसी ना जेहतु वर्षा होता तेणु किसी परिमाण में बर्तमान कम अच्छी भिड़ कि परवर्त समय भिड़ निश्चित भाव बढ़ुची आउ बजार साधारणतः जो पनीपरिया दोकान रही आमिष दोकान रोची यही सब दोकान बेसी भिड़ देखा मिलूँ जहाँ को नहीं तो निश्चित कहपर प्रशासन विभिन्न जो आभिमुख्य अपने कारण यही जो आम जो जगह ढड़ा होती पूर्व फल मार्केट रोला कि अनेक लोक हटा जानेक दुकान जो नियम भांगिया हेतु से सिल जहाँफल डिस्टेंस मेंटेन हो पार जो भिड़ हम ना गहली लगे ना ये सब दृष्टि जो स्थान में आज चित्र देखुंक परन करम बालेश्वर गत काली एक बड़ बजार हो रेमुणा बजार से स्थानांतरीकरण कर जो जानुगंज पड़िया को स्थानांतरीकरण कर मार्केट रही पर मार्केट ताकू कारण से प्रबल भिड़ रेमुणारे देखा मिलूला जहाँ को नहीं से दृष्टि स्थानांतरीकरण कर जिला प्रशासन पक्ष सूचना अच्छी अनेक स्थान में जो जो जान में साधारणतः भिड़ हो जो पर मार्केट आमिष मार्केट यही सब अधिक भिड़ रही तेणु से सब दृष्टि से गुड़ी पर्व समय स्थानांतरीकरण होनेपटे जलेश्वर देखु जो पॉजिटिव संख्या देखा अनेक अंश में वृद्धि पाई जहाँ को नहीं जलेश्वर म्युनिसिपालिटी जो सटडाउन घोषणा कर आसंता 27 तारीख पर्यंत सटडाउन चलो वर्तमान सटडाउन जेहेतु रही तेणु केवल अत्यावश्यक जो सामग्री जो जो मैंने अत्य जो जरूर काम जड़ित से आसवा छाड़े अन्न मैंने जावासवर परमिशन ना से जलेश्वर एनएससी जो अधिकारी रही सहित जदि देखा जो पुलिस रही जो मान को अनुमति दि जाएगी से मैंने ही चलप्रचल कर कंट्राक्ट ट्रेसिंग जोरसोर कर कि भाव में जो मैंने अन्न मैंने किए संक्रमित थे से डिटेक्ट कर दृष्टि जलेश्वर में चली बालेश्वर जो देखा जो कंटेनमेंट जोन रही पढ़ुआपदा कंटेनमेंट जोन तार सहर जो पढ़ुआपदा तार अवधि वृद्धि कर सतैश तारीख पर्यंत कंटेनमेंट जोन अवधि चलती से गोटे पर जेहेतु 9 जन से पॉजिटिव बाहर सहित 20 रु अधिक संक्रमित चिन्हट हो सारे तेणु से दृष्टि बर्तमान पढ़ुआपदा सहर भितर जेहेतु रोज तार प्राथमिकता रोचे बर्तमान कंट्राक्ट ट्रेसिंग जोरसोर कर जो स्वास्थ्य विभाग टीम अच्छा से मैंने घर घर बुले लोकर तथ्य हासिल करके जो स्वास्थ्य रही से संपर्क में जांच संग्रह कर मोटामोटी कहींपर प्रशासन अधिकारी तो तत्पर अच्छा कि सका समय रही भिड़ बर्तमान जदि ना कि दुकान बजार खोल जो अधिक भिड़ हम मास्क पिंधा कथ हूँ सोशल डिस्टेंस कथ हूँ एने लोकों भितर सचेतनता के मात्रा रही देखार आवश्यकता अच्छी जदि प्रशासन पक्षर ब्लू प्रिंट प्रस्तुत जहाँ सूचना अच्छी आज तहसीलदार जो टीम रही नौटा दसटा पर चेकिंग करेंगे मास्क चेकिंग साधारण करसत म्युनिसिपालिटी जो टीम रही म्युनिसिपालिटी टीम से दुकान उपर नजर रखे जदि सहर भितर भिड़ हो दुई रु अधिक दुकानी ग्राहक रोचान दुकान में सिल कर पूर्व देखा 20 रु अधिक दुकान सिल कर दि जाए से परिप्रेक्षी से मिशन जो दुईट टीम कर म्युनिसिपालिटी पक्ष से दुईट टीम से जारी रखे जांच रखे निश्चित भाव में वर्तमान पुलिस प्रशासन तरफ प्रयास करा जाउछि कि लोक मानंकु अधिक रु अधिक सचेतन करिवा पई एवं जदि जो माने नियम मानु नहंती से मानंक विरोध रे कार्यनुष्ठान बनिया जाउछि एवं बालेश्वर रे केमती स्थिति रहिछि किभळि भाव रे रहिछि कटकणा से बाबद रे सविशेष अवगत कराउथिले हम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति धन्यवाद सत्यजित सविशेष सूचना भाई कोरोना आक्रांतों संख्या वृद्धि परे कठोर बरगढ़ प्रशासन आज रात 9 आसंता 28 तारीख रात 9 जाए जिलार किसी अंचल को सटडाउन घोषणा करा जाएगी अताबिरा बरपाली एवं बरगढ़ ब्लॉक तहसील एनएससी बंद रहिबो
सेपर पद्मपुर एनएससी विजयपुर ब्लॉक एवं एनएससी सोहेला ब्लॉक एवं तहसील अंचल हेबो सडम एही समय रे दुकान बाजार आदि बंद रखिबा पई जिलापाल निर्देश देछंती सेबे प्रशासन रे एभली कटकणाकु बरगढ़ व्यवसायी संघ एवं सचेतन नागरिक पक्षरो विरोध करा जायछि जिलारे कोरोना कुनी अधिक सचेतन करा जाउ किंतु विभिन्न आळो देखाई निर्दिष्ट भावरे दुकान बाजार बंद हेले गरीब व्यवसायी कर्मचारी बहुत क्षतिग्रस्त हेबे तेणु प्रशासन सटडाउन घोषणा को बंद करने को व्यवसायी संघ दाबी करिछि। कोरोना स्थिति वर्तमान आमर आज भी बरगढ़ जिले रु 24 जन पॉजिटिव डिक्लेयर हेछन्थि आबे असंता काली रात 9:00 सटडाउन पर निष्पत्ति करिछु एतरे आबो एसेंशियल सर्विसेस को बाद दिया जीवो एवं केंद्र सरकार को जो ऑफिस संस्था अछि एगुला सब बाद दिया जीवो। छोट छोट व्यापारी मैंने बर्तमान भूके रहले न कुलरेजा काम करवार नौबत तंगर आसला न तो बर्तमान आमको कोरोना संगे बंचिबार के पड़वा कोरोना संगे बंचिबार कला सिखबार पड़वा तो बर्तमान जिला प्रशासन रो भूमिका एडा हबार कथा कि कोरोना संगे आमे जनसाधारण केनते कि बंचिमा केनते कि आगे बढ़मा कोरोना संगे से कलाटा बर्तमान सिखबारटा काम होछि जिला प्रशासन रो सचेतन करवा। संपर्क अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन जोड़ी होती आम प्रतिनिधि रंजन कुमार देवता। रंजन कोरोनार काया जो भाव में बढ़ुच्छे नजर रखिकी वर्तमान 28 तारीख रात 9 जाए बरगढ़ को प्रशासन तरफ घोषणा कर स्वतंत्र कटक जोटि की व्यवसायी संघ कोटि ना कोटि यहां विरोध करती वर्तमान स्थित को देखुं जिला एस तारीख पर्यंत सटडाउन घोषणा करते जहाँ को नहीं व्यवसायी संघ सचेतन नागरिक मध्य असंतोष प्रकाश पाइला और व्यवसायी संघ सचेतन नागरिक मैंने जिलापाल अफिस को आसी जिलापाल सहित मुहांम होते जिलापाल घर करते डिमांड करते जेहेतु कोरोना को नहीं बचवाक पड़ कोरोना समय जीवन जीवा को गुरुत्व पड़ कारण सटडाउन हेले लोके बहुत हैरान हे गरीब दुखिया लोक एपरिक व्यवसायी और जो मैंने काम करते बहुत क्षतिग्रस्त होपास दिन कटो तेणु कोरोना लॉकडाउन समय सटडाउन समय दुकान बजार खोल को अनुमति देवासह केमी अधिकर अधिक सचेतन करम को कड़ाकड़ी पालन करू नहीं गुरुत्व देवा दावी करते कि समय पर्यत जे प्रतिदिन लग जाता कितु परवर्त समय जिलापाल व्यवसाय संघ को आलोचना पर तीन दिन जो 31 तारीख जो सटडाउन था तीन दिन कोहल कर जुलाई 28 तारीख पर्यंत बरगढ़ जिलार बरगढ़ सब डिविजन एवं गौतमपुर एनएससी विजयपुर एनएससी एवं ब्लॉक सोहेला तहसील ब्लॉक अंचल रे दुकान बजार बंद करने निर्देश दि जाए भाव में कोरोनार स्थित बिगड़ दृष्टिगत रखिकी निष्पत्ति बाध्य प्रशासन धन्यवाद रंजन देवता थे प्रतिनिधि सविशेष अधिक सूचना दौले परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा जगत सिंहपुर जिला मुख्य चिकित्सालय सम्मुखे सन क्लिनिक समेत निमाई मार्केट कॉम्प्लेक्स को पौर प्रशासन पक्षर सेल कर जो महिला उक्त क्लिनिक को स्वास्थ्य परीक्षा पर आसते तेज सेठे डाक्तरों सन्देह हो जिला मुख्य चिकित्सालय को पठाई सेठे उक्त महिला एंटीजेन टेस्ट पॉजिटिव चिन्हट होता पर सदर पुलिस सहायता रे पौर प्रशासन पक्षर एक क्लिनिक समेत निमाई मार्केट कॉम्प्लेक्स को सिल करा जाय छि एथिसहित क्लिनिक रे थिबा समस्त कर्मचारी को क्वारंटाइन रखा जिबा सहित संपृक्त अंचल को सानिटाइज करा जाय छि। जन्ममाटी सह जोड़ी हेला रंगवती गीत गाँ ना सह जोड़ी हेला रंगवती संबलपुर जिला बिलुंग गाँ ना एबे बदली होइछि रंगवती बिलुंग गाँ एनिकी राजस्व विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश पाइबा गाँव में उत्साह खेली जा बिलुंग गाँव मित्रभानु गौंतिया रंगवती गीत रचना करते 1975 मसीह रंगवती गीत प्रथम ऑल इंडिया रेडियो रे प्रसारण होता रंगवती गीत केवल ओडिशार नुहे सारा विश्व में ख्याति लाभ कर रंगवती गीत गाई प्रसिद्ध लाभ कर
जितेन्द्र हरिपाल को 2017 मसीह पद्मश्री सम्मान में सम्मानित कर गीत प्रसिद्धि लाभ करने पर विभिन्न आंचलिक भाषा प्रसारण कर गीतर 25 वर्ष जयंती पालन करागला से टाइम नु आम दामी करूँ आ से टाइम आम जो कुचिन्नार सब कलेक्टर थे सी भी से टाइम मैंने प्रतिश्रुति आम पूरा प्रचेषा करमु ये हेबार लगी से पूरा 16 वर्ष आगर कथा 2004 मसीह तो आज सरकार घोषणा कर बहुत खुशी खाली मुई खुशी नुहे मोर गाँववासी समस्ते मोर गाँव रुवक युवती जहाँ अच्छा ग्रामवासी समस्ते बहुत बहुत खुशी अच्छा से मैंने आज जेन खुशीटा मन ते से मैंने झूम नाचा फेचा करी बाजा गजा करी से लॉकडाउन फकडाउन नाना कथा लगी संभव नहीं हो पार फिर भी खुशी व्यक्त करुचन रंगवती बिलमुना नामी थी सरकारी स्तर में बिलुंगा बहुत खुशी मिलूचे आज ये रंगवती संबलपुर कहीं डिस्ट्रिक्टर नाम के नामित कले भी हाँ पृथ्वी से समस्ते जानून कि संबलपुर मैट रहा कही जन्ममाटी सह रंगवती गीत जोड़ी हेवा क्षेत्र में प्रमुख भूमिका नहीं केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान 2019 डिसेंबर 18 तारीख में नाम परिवर्तन अनुरोध करी धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह को चिठी लिखी थे। अमित शाह जनवरी 3 तारीख में चिठी माध्यम अनुकूल जवाब देते नाम परिवर्तन नहीं विज्ञप्ति जारी होगा पर धर्मेन्द्र प्रधान ट्वीट कर नामकरण संगीत और गीतिकार को उपयुक्त सम्मान यह साधु उद्यम पर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्र गृहमंत्री अमित शाह और राज्य सरकार को धन्यवाद जन परवर्त खबर पर नजर पकड़ नुआपड़ा जिला बोडेन ब्लक में किरोसीन जोगाण में हेरफेर होता अभोग बुधवार खड़ियाड़ विधायक अधिराज पाणीग्राही बोडेन ब्लक करंगामाल पंचायत गस्त करते अवसर में से लेसुनपाली एवं डोटो गारो उपभोक्ता भेटा पर जानवाक पाई गत 30 जुलाई 2019-2020 जुलाई सुधा केवल दुईमास किरोसीन मिली आ 10 मस किरोसीन कलाबजारी हो खड़ियाल विधायक यार उच्चस्तरीय तदंत जिला प्रशासन निकट में दावी करते बोडेन तहसिलदार जिला प्रशासन निर्देश क्रमे बोडेन किरोसीन बेपारी आरिफंग गोदाम को सिल कर तदंत आरंभ कर जोगाण अधिकारी कहते जे आम किरोसीनी प्रति मासरे रिसीव करुचु डीलर कहे आम प्रति मासरे किरोसीनी दौचु जोगाण सहायक कहे आम किरोसीनी नौचु तो ताहले किरोसीनी गला कुआडे एत संख्यार जो आज राशन कार्ड धारी बीपीएल भाई भौणी माने जिते संख्यार जो आज आसिक कम्प्लेन देखते तो किरोसीनी गला कहीं मु सरकार पाखे दाबी उपस्थापन करुच्छे जे यार गोटे उच्चस्तरीय तदंत यहाँ नुआपड़ा जिलार गोटे स्काम सविशेष इनक्वारी कर प्रकृत हिताधिकारी नहीं ना जो रिटेलर अच्छा से बांटि नहीं संबंध में से विषय आम तदंत कला जनापड़ बुझामणा सत्वे प्रकृत नियंत्रण रेखा निकटर सैन्य अपसारण करुना चीन उत्तेजना ह्रास पाई दुई देश मध्य सहमति सत्वे चीन ताहाको पालन करुना पूर्व लद्दाख सेक्टर में एवं भी चीन निजर 40,000 सैन्य मुतयन कर गत 14 तारीख में होता कमांडर स्तरीय आलोचना पर चीन सेना और पछक हटिना दुई देश मध्य कथबार्ता को सम्मान जनाऊना चीन बदय अंचल सेना प्रत्याहार पर राजी होते एवं प्राय 40,000 सैन्य रही केवल सेना नुहे अनेक भारी युद्धास्त्र सजाई चीन एलएसी निकट में हट स्प्रिंग आउ केतेक अंचल चीन सेना निजर षष्ठ मेकानाइज्ड इन्फ्रांट्री डिविजन को प्रस्तुत रखिंट सबु अंचल आर्टिलरी गन गुड़ी को सजाई रखा जाई एलएसी गलवान घाटी जीवननाला चिपचाप घाटी निकट में चीन सेना निजर 17 एवं 18 मेकानाइज्ड इन्फ्रांट्री डिविजन लड़ुआ जानगुड़ी प्रस्तुत रखी सबु अंचल विमान विध्वंसी तोप को मध्य मुतयन कर दृष्टि रखी भारतीय सेना मध्य प्रस्तुत रही जगत सिंहपुर जिले में 40% कम वर्षा जहाँ नहीं चाषी हताश श्रावण मस बिल जमी फाटी आंकला तेणु तली रुआ विलंब होता बेले एपटे वर्षार देखा ना केनाल सफे हो नी आसवे विलंब होभाव बहु जमी
ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ଭରସା କରିଛି ଚାଷୀ, ସେପଟେ ଶ୍ରାବଣ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, ହେଲେ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ଏକର ଏକର ଜମିରେ ବିହନ ଗଜା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ବିଲ ଫାଟି ଆଙ୍କଲାଣି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଚାଷୀ ମୋଟର ଲଗାଇ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜମିରେ ବିହନ ବୁଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମେ ଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଚାଷ କାମ ଟିକେ ଆଗେଇଥିଲା, ହେଲେ ବର୍ଷାକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଚାଷୀର ନିଦ ହଜିଲାଣି। ଅପରପକ୍ଷେ କେନାଲ ସଫେଇ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପାଣି କେବେ ଆସିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ବହୁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଚାଷୀ କୂଳ। ଆମେ ମଟର ପକେଇକି ଘଣ୍ଟାକୁ 200 ଲେଖା ଦେଇକିରି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତଳି ପକେଇଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବିହନ ଆଣିଲୁ ସେ ବିହନ ବି ଗଜା ମରୁଡ଼ି ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠିପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏମିତିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି ବିଲବାଡ଼ି, କେମିତି କ'ଣ ଚାଷ କରିବୁ, ଧାର କରଜ କରିଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ବି ନାହିଁ। ମୁଁ 4-5 ଏକର ଜମି ଚାଷ କରୁଛି, ବାଘ ଚାଷ, ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କରି ଯେଉଁ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ ନା ପାଣି ନାହିଁ, ତଳି ପକେଇଥିଲି ତଳି ଜଳିଗଲାଣି, ଗହିରରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ, ହାତ ସେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛୁ, କାଡ଼ାନାଳ ସଫେଇ ଦେଉ ନାହିଁ ନା ବ୍ରାଞ୍ଚ କେନାଲ ସଫେଇରେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖରିଫ ଋତୁରେ 86,220 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଖରିଫ ଧାନ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 28,128 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଚାଷ କାମ ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ ମାସରେ 202 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ହୋଇଛି ହାରାହାରି 114 ମିଲିମିଟର। ସେହିପରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ 277 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ହୋଇଛି 133 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା। ତେବେ ଚାଷ କାମ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ବି ସେଭଳି କୌଣସି ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ଅଧିକାରୀ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜିଲ୍ଲାକୁ 800 କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ନରାଜରୁ 500 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ମିଳିଛି। ଏଥିସହିତ କେନାଲ ସଫେଇ କାମ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ଜରିଆରେ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆସନ୍ତା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେନାଲ ପାଣି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଜଳସେଚନ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି। ଧାନ ଆମର 86,220 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28,138 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ମାନେ ଧାନ ଚାଷ କରାହେଇ ସାରିଛି ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। କେଉଁଠି ମାନେ ସେମିତି ଜଳାଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଉପୁଜି ନାହିଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାଣି ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନାଲକୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ କରିକରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଟିକେ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାସ ପୁଣି ଉଠିଯିବ, ଆମେ ଏକାଥରେ ପାଣି ଆସିଲା ପରେ ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସଫା କରିଦେଇ ଚାଲିବୁ। ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଇଛି, ଏଟା ତ ପାଣି ଛାଡ଼ିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସମୟଟା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଟେଲ୍ ଏଣ୍ଡରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ସେପଟେ କେନାଲ ପାଣିକୁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପିନାକୀ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଲା ହେଲେ ଏବେ ବାଟବଣା। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଏବେ ଦୁର୍ବଳ, ତେଣୁ 11 ଜିଲ୍ଲା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ହେଲେ କମ୍ ବର୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ। ସେପଟେ ମନସୁନ୍ ଡ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହାଁଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଶ୍ରାବଣରେ ଶୁଖିଲା, ରାଜ୍ୟରେ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି, 9 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 2 ଜିଲ୍ଲାରେ ଅତି କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଜୁନ୍ 1 ରୁ ଜୁଲାଇ 22 ମଧ୍ୟରେ ପୁରୀ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହୋଇଛି ଅତି କମ୍ ବର୍ଷା, ଏହି 2 ଜିଲ୍ଲାରେ 39-68% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିପରି 9 ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ୱର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ଭଦ୍ରକ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ କମ୍ ଅର୍ଥାତ 19-39% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ 11 ଜିଲ୍ଲା ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ଚିନ୍ତିତ ହେବାର ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ସୌରଭ ଗର୍ଗ। ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟି ନେଇ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲେ ବି ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳସେଚିତ ଅଛି।
ଏବଂ ଆଇଏମ୍ଡି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିବାରୁ କିଛି ଚିନ୍ତାର କାରଣ ନାହିଁ। ବିହନ ଓ ସାରର ଲିଫ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ କ'ଣ ଅଛି ସେ ନେଇ ନିୟମିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ସରକାରଙ୍କର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ଦେଖାଯିବ। ଆମକୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛୁ କି କ'ଣ ଷ୍ଟେଟସ୍ ଅଛି, ଆର୍ ଆମେ ଭାବି ନାହୁଁ କି କିଛି ଅସୁବିଧାର କାରଣ ଅଛି। ଏବେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଠି କୋଠି ହେଉଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ସେଇଟା ବି ଦେଖିଛୁ କି କେତେ କ୍ରପ୍ ସୋନ୍ ଏରିଆ ଅଛି, କେତେ ହେଇଯାଇଛି, ସିଡ୍ସ ଲିଫ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଫର୍ଟିଲାଇଜର୍ ଲିଫ୍ଟିଂ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ ଅଛି, ଅର୍ କିଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଛି ମୌସୁମୀ, ତେଣୁ ଜୁନ୍ ଏକରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 9% କମ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ତେବେ ମନସୁନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଏବେ ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁହାଁଉଥିବାରୁ ଆସନ୍ତା 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। और कोस्टल ओडिशा में मेनी प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। हेवी रेनफॉल वार्निंग कल के लिए है। बरागढ़, बोलांगीर, नोआपारा, संबलपुर, अंगुल, ढेंकनाल, कटक, जगत सिंहपुर, रायगढ़, केंद्रपड़ा, फिर 24th को भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा, बट 24th में थोड़ा सा फिर रिड्यूस होगा। चलित थर ठीक समय मौसुमी तेणु वर्षा ठीक ठाक होगा नहीं समस्त आशा बांधी थे, ठीक रे वर्षा हो हाथ बांधि बसी चाषी। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କରୋନା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ଦେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପ୍ରୟାସ। ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି ଅନେକ ପ୍ରକଳ୍ପରେ। ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଛି ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର। ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ସହ କାମ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ କଳାକାର। ହାତରେ ତୁଳି ଧରି ସହରର କାନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଚାଲିଛନ୍ତି ମହିଳା। ସଜେଇ ହେଉଛି ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ, କାନ୍ଥରେ ଅଙ୍କାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଚିତ୍ର। ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା। କେଉଁଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବାର ବାର୍ତ୍ତା ତ କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ କେଉଁଠି ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାର ସନ୍ଦେଶ। ସହରର କାନ୍ଥକୁ ଚିତ୍ର ବିଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ମହିଳା। ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଚିତ୍ରକାରମାନେ ବି କିଛି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖାଲି ଖାଲିରେ ଏବେ ବସିଯାଇଥିଲେ କରୋନା ସମୟ ଯେମିତି ସମୟ ଚାଲିଛି, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଇକିନା ବସିଯାଇଛନ୍ତି, ତ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ, ରାଉରକେଲାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ଏସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବି ଏତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ କି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କରୋନା ସଚେତନତା ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ସାନିଟାଇଜର ୟୁଜ୍ କର, ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କର, ଆଉ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କର। ବିଶ୍ରା ଛକଠୁ ନେଇ ପାନପୋଷ୍ଟ, କୋଏଲ ନଗରଠୁ ନେଇ ଛେଣ୍ଡ, ଅନେକ କଳାକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାନଗର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସଜାଉଛନ୍ତି ନିଜ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ। କରୋନା ସମୟରେ ରୋଜଗାର ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ କଳାକାର, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ପରିବାର ଚଳାଇବା ବୋଝରେ। ମହାନଗର ନିଗମର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ କଳାକାରଙ୍କ ମନରେ ଆଣିଦେଇଛି ନୂତନ ଆଶା। ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ସବୁ ଅଛି ସେ କାନ୍ଥ ସବୁରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ସବୁ ଅଙ୍କାଯାଉଛି, ସୋସିଆଲ ମେସେଜ, କୋଭିଡ୍ ମେସେଜ ସହିତ ବି ଆହୁରି ସୋସିଆଲ ମେସେଜର ବି ଚିତ୍ର କରାଯାଉଛି। କୋଭିଡ୍ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ଏହାଦ୍ୱାରା କିଛି ସେମାନେ କାମ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ମହାନଗରରେ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସହର ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକେ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏବେ ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜନୀତି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ମାମଲାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ସିପି ଯୋଶୀ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲିଭ୍ ପିଟିସନ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳବଦଳ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ ଘୋଷିତ କରିବାର ଅଧିକାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ। ବାଚସ୍ପତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ପରେ ସେପଟେ ସଚିନ ପାଇଲଟଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କ୍ୟାଭେଟ୍ ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ନ ଶୁଣି କୋର୍ଟ କୌଣସି ରାୟ ନ ଶୁଣାନ୍ତୁ।
ସମସ୍ତ ରହିଛି ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଟ୍ ରଖିବା। ନମସ୍କାର।